हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बहुत 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 अच्छी विशेस के लिए. आज आप सबने बहुत अच्छी विशेस करी. मम्मा भी थैंक यू बोलना चाहेंगी. बोलो. थैंक यू सो मच. बहुत कमेंट्स आए हैं और इतने कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, सब ने फोन पे जैसे भी है बहुत मुबारकें दी है. तो क्या कहते हैं, मम्मा मेरे लिए कपड़े लेकर आ गई थी. अभी अभी मैं बस नहाने जा रही, चेंज करने लगी. इसके बाद वाली क्लिप जो आएगी वो यही आएगी कि मम्मा जा रही है. मेरी थोड़ी उल्टी सीधी हो जाती क्लिप, क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग कर ही नहीं पाती हूँ जब उस टाइम कुछ हो रहा होता है. और एकदम से यहाँ पे इतना काम होता है कि नहीं पता चलता कि गुड मॉर्निंग कब हो रही, गुड नाइट कब हो रही है. तो इसके बाद मम्मा वाली क्लिप आएगी जब मम्मा जा रही है. उसके बाद मैं देखे वो, अभी मैं जस्ट होकर आई हूँ नीचे से, बेबी को वो देने गई थी पैच. तो उसके बाद अब मैं चाहूंगी चेंज करूंगी. उसके बाद फिर सुबह जब बेबी आएगा मैं तभी एंड करूंगी ब्लॉग. कल से पहना हुआ है ना रात. हाँ, अब जब सुबह बेबी आएगा मैं तभी एंड करूंगी ब्लॉग बेबी के साथ ही. शक्ल तो देखो हम नहीं दिखा सकते, हमारे में होता नहीं है कि 6 दिन से पहले की शक्ल दिखाए. तो बट मतलब एक झलक तो दिखाई सकते. आप बताना, आप पूछो, आप बताना कमेंट्स करके कि हमें कब बेबी की शक्ल दिखानी चाहिए. और जहां तक मैं जान, मेरे हिसाब से गोलू बिल्कुल बेबी नहीं, बेबी बिल्कुल गोलू पे गया. पूरी ये चीज जो है ना, पूरी गोलू जैसी, बिल्कुल एज इट इज सेम. और अभी गोलू ने अच्छे से देखा, और आंखें ग्रील है मम्मी वाली. हाँ देख लो. तो मम्मा और पायल दीदी जा रहे हैं दीदी की खिचड़ी बना रहे ना गोलू की. हाँ। खिचड़ी के लिए और मेरा नाइट सूट लेने, क्योंकि मैं बिल्कुल परेशान हो रही. मैं गोलू के पास बैठी हुई हूँ. आप हो चीकू? चल रहे, चलो मम्मी बना. तो उनका कॉल आया था नीचे निकू से कि ये जो नैपकिन्स है या ये जाके बेबी को दे आओ. तो मैं जा रही हूँ, अब देकर आती हूँ. बेचारे से मिलने तो दे रही, अब सुबह ही मिलूंगी उससे. प्यारे प्यारे का ऐसा बिल्कुल क्यूट सा बेबी है, बहुत प्यारा है बहुत. तो हाय गाइस, रात को मैंने चेंज वेंज करा और मैं सो गई थी. मैं जो यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ये सोफा है, यहाँ पर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. मतलब बड़ा है सब कुछ है, लेकिन ये छोटा सा सोफा है ना, मैं यहाँ सो रही थी मतलब पैर ऊपर करके, क्योंकि मुझे ये वाला बहुत हार्ड लग रहा था. और मैं आई बहन, मुझे कृतिका ने, मतलब कृतिका मम्मा सब ने बोला घर चली जा चली जा, बट मैं गई ही नहीं. हाँ बहन, क्या वो बता. शांति आएगी ना, शांति आएगी तो. यहाँ पे लाल लाल क्यों हो रहा है? चल बोल बोल. शांति ब्रेकफास्ट और चाय भेज देगी. हाँ तो गोलू को अब जाके 24 घंटों के बाद बोला है चलने को. 24 नहीं बहन, तू अभी तो मतलब जाते समय तक हो ही गए. 6:30 बजे तू गई थी. हाँ यार, पता सोचते रहे. तो ये ऑपरेशन है मेरा किडनी का हुआ था, उसका लिवर क्या हुआ था मेरा रिमूव. हाँ किडनी और पथरी का हुआ था ऑपरेशन. हफ्ता ना मेरा चल ही नहीं पा रही थी, मैंने स्टंट डाले थे बैक, ना मैं वॉशरूम कर पा रही थी ना मैं कुछ. ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है भाई. ऑपरेशन सारे बंद होते हैं. हाँ ये भी है. बाकी अब फाइनली गोलू का ये उतार दिया है, थोड़ा उसको रेस्ट मिला है. कल से लगातार 1 मिनट भी नहीं उतारा था. और सारे पूछ रहे कि ऑपरेशन हुआ है नॉर्मल. कैसे अगर नॉर्मल होता तो अभी तक बेचारी उठ चुकी होती. लेकिन ऑपरेशन हुआ है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे अब, लेकिन फिर भी बेटर है, थोड़ा बेटर है. ऐसे को 8:30 हो गया अभी. हाँ मैं मंगवा लेती हूँ. एक तो पता है इतने मतलब दिन से यहाँ पे बड़ी हुए हैं, कुछ शक्ल तक इतनी अजीब सी शक्ल हो रही है मेरे समय, पता नहीं क्यों सब ब्लैक 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 ब्लैक. चलो कोई नहीं. आज गाइस मैं ये बता रही थी, आज जैसे कन्नू, ये कमेंट्स ना फिल कर देना कन्नू के बर्थडे से. उसका बर्थडे आज, कल बेबी का बर्थडे था, मामा भांजे का बर्थडे साथ साथ आएगा. तो इतनी खुश हूँ मैं, कन्नू भी आ जाएगा कल मोस्ट प्रोबेबली पापा के साथ. क्योंकि हमने ये बोलता है हॉस्पिटल में इतने जने वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, तो आप घर रुको. उसके बाद घर पे जब कृतिका आ जाएगी ना तब आप आना. तो अब जाके हमने कृतिका के कपड़े चेंज करवाए हैं, और चेंज करने के बाद कृतिका थोड़ा चलने फिरने लगेगी. तो उसका ट्राई करा रही कि अब वो चले, ताकि शाम तक वो खुद वॉशरूम जाना है सब कर पके. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कृतिका को जब चलवा रहे होंगे. बहुत मेरे को बहुत एक्साइटेड फील हो रही है, क्योंकि उसके हाथ में अभी बेबी आने वाला है. अभी टाइम लगेगा उसके बेबी को आने में हाथ में, बट जो भी है वो तब से ही बोल रही, मुझे शक्ल तो देखने दो उसे. एक बेचारे, पता है एक बार सिर्फ घुटने में चोट लगी थी सिर्फ, वो भी याद है ईश्वर ने जब गिराया था, सबको जा जाके दिखाती थी. एक बस ठीक है. हाँ वो भी
किस वो कर रहे थे, वो क्या कहते हैं इसको, कीकली कर रही थी, किसी ने हाथ छोड़ दिया था। हाँ, ऐसे मेरे साथ भी किया था, मैं तो बहुत दूर जाके गिरी थी। नहीं, ये बिचारी गटर में सर लग गया। मैं हॉस्पिटल थोड़ा कम ही जाती हूँ। ठीक है, सही, धीरे धीरे आराम आराम से चलेगी, सब हो जाएगा। तो गोलू बस अभी अभी गई है बेबी से मिलने, 24 घंटे बाद वो फिर से बेबी को देख रही है। यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह उतार के गई है वो, और अंदर कैप ग्लव्स सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जाने नहीं देते। तो फाइनली कल से मेरी और गोलू की पूरी पूरी कोशिश थी कि हम बेबी को मिल लें। चलो, गोलू तो उठ नहीं सकती थी क्योंकि उसको अलाउड नहीं करता, आज वो उठी है, सबसे पहले उठते गई है, उसने बोला मुझे अपना बेबी दिखाओ। तो वो मतलब हम सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे बेबी है, वो लिफ्ट से गई नीचे, मिलकर आई और वो देखते ही बेचारी रोने लग गई थी। तब वो आएगी, उसके हाथ में बेबी देंगे, थोड़ी देर तक देंगे, उसके बाद मैं गई, मुझे मतलब इतना प्यार है, वो अभी सो रहा था, उससे इतना खेलने को मिला। कल जीजू गए थे ना तो वो खेल रहा था, मतलब थोड़ा बहुत एक्टिव था, अभी वो सो रहा था तो मैंने भी नहीं उठाया ना मैंने उसको छेड़ा, मैं बस देखा, एक छोटी सी पिक्चर क्लिक करी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जितनी भी सारी पिक्चर्स है ना जो जीजू ने भी क्लिक करी है और मेरी भी, तो मैं आपको जरूर सारी दिखाऊंगी, स्टार्टिंग से जब एकदम आया था ना गोद में तब की भी पिक्चर है, तो मैं सब आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और मम्मा अब उठ चुकी हैं, अभी मम्मी नींद में है। पता क्या होता है यहाँ पे, मम्मा बहुत लेट सोए थे, मैं तो फिर भी सो गई थी रात को, चेंज करा, मैं चुपचाप सो गई। हाँ, मैंने बता तो रही, मैंने सुबह कन्नू को विश करा, मैं इतने को मानो कि मेरे इतने ब्लैक ब्लैक हो रहे, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी भाई, मैं अब जाके कल सोई हूँ। तो जब अपने बच्चे से 24 घंटे बाद मिल गए, पर एक बात था सर, जब तूने कल देखा था 24 घंटे पहले और अब देखा, फर्क नहीं है कितना? मैंने तो सिर्फ फेस देखा था जी ना, पर जब हमने देखा था ना, जब बाहर आया था 7:15 पे आया था बाहर वो, और अब जो हम देख रहे बिल्कुल अलग लग रहा है मुझे तो। हर दिन बच्चे का रंग बदलता है ना। आंखें भी यार, आंखें नहीं देख पा, मैं आंखें देखने गई थी, रहा था ना, उनको उठाया नहीं, पर संतूर रोने लगी थी ना, वो पूछ रहे थे कि ये उन्होंने जैसे ही बोला रोने लग गए। हाँ, होता ही है ना इमोशनल तो बंदा, कल एक बार देखा था ना मैंने, फिर आज सामने से बिल्कुल देखा कल तो मैं बस आने वाला है, कोई नहीं तू रेस्ट कर। तो फाइनली बेबी आ चुका है, बेबी की गोलू ने शीट यहाँ पे रख दी, इससे वो है ना वॉशरूम नहीं होता ना, इससे मतलब गीला नहीं होगा ना। गोलू तो बैठ, रेस्ट कर ले बहन, इसका सारा ध्यान जब से बच्चा है ये पूरे अपने बेड से उठ चुकी है। भाई बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो बस नहाने जाती हूँ, मैं बेबी का वेट कर रही थी, बेबी आ चुका है फाइनली। अब ये वाला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा मैं आगे से स्टार्ट करूंगी, तो ये वाला व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। ये देखो मम्मा पापा को बेबी को लगी हुई है करने में, मैं आपको जरूर बेबी से मिलवाऊंगी लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।